Welcome guys, along with this video I am also announcing my new logo. It has a stunning eye and a F with the flame design inside obviously representing iFlix. It has the intense character at the tip of the F wearing the headphone representing an intense gamer uh, and that's me and both the hands busy with his mouse and keyboard. Soon you all will be seeing this as the official logo everywhere. Thank you so much for all the support till now. Uh, do not forget to hit the like button and subscribe for more analysis video please do subscribe guys i need those helps hey guys welcome to another analysis video we are back in the analysis of uh, matches now this is not going to be a map this is going to be an analysis of uh, team mayhem how they ended up uh, hashtag 3rd position in PMIS. आल्सो आई एम आई फ्लिक्स एक्स कोच ऑफ टीम मे हम आई एम ए प्रोफेशनल पबजी पी सी ई स्पोर्ट्स प्लेयर एस वेल अगर आप लोगों को पी एम आई एस देखा रहेगा तो पी एम आई एस में टीम मेहम अपना ड्रॉपी लोकेशन बार बार चेंज कर रहा था उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है वो सब आप ये वीडियो में जान सकता है थोड़ा टीम महम के बारे में बता देता हूँ पहले वाई वी डिड दिस इज बिकॉज टीम महम की अच्छा पॉइंट्स और यू नो वीक पॉइंट्स आई नो एंड द वीक पॉइंट इज दैट टीम महम डिट गेट दैट मच ऑफ टाइम क्योंकि पी एम आई एस वॉज अपॉन द डेट एंड रजिस्ट्रेशन क्लोज ही होने वाला था एंड वी हैड वेरी लेस टाइम टू प्रैक्टिस सो उतना एग्रेशन नहीं दिख uh, दिखा पाता था बिकॉज uh, उतना सिनर्जी नहीं बैठ बैठा था अभी तक बट द थिंग दे देवेर गुड एट इज ऑफ लर्निंग rotations of the uh, maps and you know how to take an advantage uh, so that's why this is a strategy all of the sudden changed in the uh, finals so first of all what we did was to analyze the drop in locations of all these teams uh, which we are contesting in the finals so final key saab se final khelna chahiye अकॉर्डिंग टू द टीम्स के हिसाब से खेलना चाहिए सो दैट्स वॉट वी डिड वी हमारा टीम मेहम की ड्रॉपिंग लोकेशंस है ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द यासना यहाँ पर उतर के हम लूट करते हैं यहाँ से गाड़ी भी मिल जाता है तो ये एक uh, अच्छा लूट है खाली इसकी एक ही इशू है कि थोड़ा लूट कम मिल जाता है बट दैट्स ही ओनली इशू गाड़ी और सब कुछ uh, अच्छे मिल जाते हैं और रोटेशन uh, भी यहाँ से हो जाता है uh, अच्छा खासा बट द प्रॉब्लम वॉज दैट कि वी सो दैट वी सो सम एरिया विच वेर वेरी क्लियर विच वी कैन रियली गो एंड लूट एंड दैट वॉज प्रिमोस्क प्रिमोस्क हम लोग लूटने के लिए इसलिए चूज किए बिकॉज अगर मिलिट्री uh, में जोन बनेंगे तो भी हम लोग के लिए जल्दी टाइम मिलेंगे यहाँ पे रोटेट इन करने के लिए एंड uh, अगर ऊपर जोन मिला तो भी हम लोग को रोटेशन के लिए बहुत ईजी पड़ते थे वी सो दैट सॉल इज एक्चुअली नॉट प्लेइंग इन दिस मैच सो दैट मीन्स सॉल की ड्रॉप्स जो है वो क्लीन मिलने वाला है हम लोगों को and uh, also we observed that ume ume's drop-in locations is actually gutka but uh, ume actually have ume nahira uh, now it's RV uh, revenge is now ume like uh, they have changed the lineup so they are not going to their uh, what ume's original uh, drop-in location they are taking the revenge locations obviously uh, so gutka was also kind of uh, clean for us so that means uh, uh, यहाँ पे हम लोग सोचा फिर देन यू नो प्रमोस की गुड ड्रॉप टू टेक uh, अंदर किधर भी सर्कल बना देन रोटेट करने के लिए यहाँ पे फ्री मिलेगा बिकॉज यहाँ पे कंडस्ट करने के लिए कोई रह, कोई नहीं रहेंगे इस एरिया में ओके okay. मेहम कभी इनिशियल फाइट्स लेते हुए आप लोगों को नहीं दिखेगा अगर मजबूरी पड़ा तो ही लेंगे नहीं तो बिल्कुल अवॉइड करेंगे क्योंकि पी एम आई एस में ट्वेल्व मैचेस इज ओनली ट्वेल्व मैचेस इट इज़ नॉट लाइक पी एम पी एल की सेमीफाइनल जैसे वो पचास मैचेज है और आप लोगों को यू नो पचास चांसेज मिलेंगे इट वॉज 12 मैचेस एंड 12 मैचेस में आपको सबसे बेस्ट पॉइंट्स निकालने के एंड इट इज क्यूमिलिटिव ऑफ़ योर किल्स एंड पोजिशनल पॉइंट्स नाउ माय टीम हैज़ एन अंडरडॉग एज वेल इन द टीम जो एक नया लाइनअप मतलब ऑब्वियसली ये पूरा नया नया लाइनअप है एंड उसमें भी एक अंडरडॉग भी है एंड ही इज़ लेस एक्सपीरियंस दैट इज इंपॉर्टल ही इज़ लेस एक्सपीरियंस और अब जाके उसका एक्सपीरियंस मिला है टी में कैसे होता है क्या होता है यू नो हमारे साथ अमे हमें प्रैक्टिस करके टी वन खेल के दैट्स हाउ वी गॉट द एक्सपीरियंस एंड नाउ ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेल मुझे इमोटल में एक चाहत दिखा था यू नो इन इरेस्पेक्टिव ऑफ ही बींग एन अंडर डोग फिर भी हम लोगों ने टीम में इसलिए लिया बिकॉज uh, उसमें uh, इमोटल में खेलने के लिए एक अर्ज भी रहता था और यू you नो know, हमेशा मुझे जीतना है मुझे खेलना है मुझे और सीखना है मुझे और सीखना है, है मुझे और अच्छा बनना है तो वो एक अच्छा चीज़ दिखा था तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यू नो यू हैव टू ट्रेन इम ई विल बिकम वन ऑफ द यू नो बेटर प्लेयर्स आउट इन दैर नाओ ही हैज एक्सपीरियंस उसका फर्स्ट मेजर जो है यू you नो know, थर्ड पोजिशन लिया है बहुत बढ़िया गया है उसके लिए एक्चुअली सो वेल प्लेड मॉडल एंड द रेस्ट ऑफ द मार एक्सपीरियंस्ड वेल अप बट ओवरऑल फायर पावर ऑफ द टीम वॉज वेरी लो एंड we knew what our advantage was. Our advantage was to get into the circle. We know how to, you know, uh, get into the circle. You know how to rotate properly into the circle. How to scout out uh, different areas and get into uh, more deep into the circle to get those positional points. And overall fire power fire तभी करते थे जब जरूरत पड़े. जब आगे वालों को मारके आपको आके निकलना है और जरूरत है तभी वो लोग kill मारते थे and uh, kill points उठाते थे. So uh, keeping that in mind. इनिशियली फाइट कोई भी फाइट नहीं लेना चाहता है मैं हम बिकॉज आपके पास चांसेस है ट्वेल्व एंड उसमें अगर आपने फाइट लिया एंड आप मर गया देन दैट्स जस्ट वन पॉइंट इन योर पॉकेट और ओवरऑल ओवरऑल uh, में वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेंगे उस टॉप के यू नो टॉप में रहने के लिए सो इनिशियल फाइट वी अवॉइड फॉर द बेस्ट ओके नाओ दिस इज मैच थ्री ऑफ इरागल थर्ड मैच है अभी नाउ वी आर रनिंग टॉप वन इन दी ओवरऑल स्टैंडिंग ओवरऑल स्टैंडिंग्स में हम लोग टॉप वन है तो हम लोग अपना स्ट्रेटेजी तो सेम रख रहा है वी आर कमिंग इन टू प्रिमोस नाउ प्रिमोस में आप लोग देखेंगे तो यू एम में एक्चुअली यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा है मे बी हम लोग टारगेट कर रहे हैं हम लोग को टारगेट कर, कर रही होगा ओब्वियसली आई थिंक टारगेट कर रहा है बिकॉज uh, हम लोग टेबल टॉपर्स है और पिछले मैचेस फॉर ए प्रोफेशनल टीम वो लोग पिछले मैचेस पिछले ही रैंगल जो है वो देखेंगे पिछले रैंगल में ये थर्ड थर्ड मैच है इस थर्ड मैच मीन्स थर्ड मतलब सेकेंड रैंगल है पहले रैंगल ऑब्वियसली पीछे करके देखा रहेगा कि यू you नो know, हम लोग

नाउ सिक्स मैच तक हम लोग अभी सेकेंड पे है हम टेबल टॉप वापस कर रहे हैं बट राइट नाउ व्यू कैन सी इस एंगल में हम लोग वी आर ड्रॉपिंग ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ यासनाया यासनाया के बाहर के कंपाउंड्स लूट के हम लोग वहाँ से रोटेट करने वाला है बट वी टुक दिस रोटेशन एंड वी डेंट टुक प्रिमोज बिकॉज हम लोग को वो इनिशियल फाइट नहीं लेना है इनिशियल फाइट लेके कैशुअलिटीज़ लेके यू नो इधर हम उनको मारेंगे या फिर वो हमको मारेंगे सो so, uh, बट इट वॉज ए फिफ़्टी फिफ्टी चांस बिकॉज हम भी मार सकते हैं और वो लोग भी मार सकते हैं और आ, हम लोग को कंडस्ट होने से और वो चांस नहीं लेना है वो प्रोबेबिलिटी नहीं लेना है हम लोग को अपना चारों बंदे जिंदा रहकर यू नो आगे बढ़ना है और एंड सर्कल में ऐसे मैंने हमेशा देखा है कि जब चार बंदे जब जिंदा रहता है ना एंड सर्कल्स में यू ऑलवेज़ गेट दैट चिकन इनर इन योर पॉकेट एंड यू ऑलवेज सिंपली यू ईजी ट्वेंटी पॉइंट्स तुम्हारे हाथ में मिल जाएंगे सो नो हॉट ड्रॉप वी चुक भी मतलब हम लोग हम लोग सीरियसली ये देखा कि हम लोग को कोई टारगेट नहीं करना चाहिए तो हम लोग इस दिस इज वाज दिस वॉज द मेन रीज़न कि हम लोग अपना ड्रॉपिंग लोकेशन अकॉर्डिंग टू द प्लेन पाथ जो बेस्ट है वो यू नो चूज़ किया सो बेसिकली दिस वॉज द मेन रीज़न कि हम लोग टारगेट ना हो और हम थोड़ा अलग करते रहेंगे नो you know? नाउ द नेक्स्ट स्ट्रेटजी वॉट वी ऑब्जर्व वर्स की फाइनेंस में एक नया मेटा ऐसा फॉर्म हुआ है टू क्लस्टर इन देंडर यू नो पहले वो सेंडर ले लो और आप वहाँ से फाइट करो और यू नो टू विन द होल मैचेस तो एक मेटा ऐसा फॉर्म हुआ है कि यू नो सेंडर 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 सो ऐसे देखा है कि इनिशियली जब सर्कल जब बड़ा रहता है तो रोटेशन थोड़ा बहुत ईजी मिल जाता है और सेंडर यू नो सेंडराइड कम्पाउंड्स थोड़ा बहुत मिल जाता है ऑलमोस्ट फोर्टी परसेंटेज इन साइड यू नो थर्टी परसेंटेज इन साइड तो डीप इनसाइड कम्पाउंडस मिल जाते हैं हर एक टीम्स को एंड सिक्सटीन टीम्स रहता है ओब्वियसली यसिया सिक्सटीन टीम्स रहता है एंड आप अगर देखेंगे तो इनिशियल वो एक या दो सर्कल्स में यू you नो know, uh, देखेंगे तो एक मेटा की वजह से मोस्ट ऑफ़ द टीम्स आर क्लस्टर्ड डीप इनसाइड द सेंटर ऑफ द सर्कल्स और अगर बाहर देखेंगे तो यू विल सी इधर वन और टू और लाइक थ्री और मैक्सिमम मे बी फोर टीम्स मे बी फोर आउट ऑफ सिक्सटीन टीम्स सो ये फोर कहीं ना कहीं रहेंगे यस ओबियसली दैट वी हैव टू स्काउट इन बट द प्रॉबिलिटी

Uh, इसलिए हम लोग uh, हमेशा जो रोटेशन uh, जब लेते थे इनिशियल सर्कल्स में तो हमेशा पूरा मतलब लूटने देते पूरा लूट लेते थे मतलब जितना लूट मिल सकता है उतना ले लो जितना मतलब जो भी चाहिए तुम्हें यू नो स्कोप्स वगैरह एंड रोल एंड रोल ऑल दी टेक ऑल दी थिंग्स इन दी इनिशियल्स एंड तुम ब्लू जोन तो ब्लू जोन कभी कभी ब्लू जोन खा के भी रोटेट किया है सो जस्ट रोटेट इन बिकॉज प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हें तो जो एड्स जो है एड्स जो है एड्स मोस्ट ऑफ द एड्स

इफ़ यू सी द एडजस्ट दिस एडजस्ट आर रियली kind ऑफ अ क्लियर फॉर यू सो मेरे टीम के लिए क्लियर रोटेशन मिला था सो वी टुक ऑल द टाइम वी नीड एंड वी कम वी टेक द एडजस्ट ऑफ द सर्कल और फेस uh, four ऑलमोस्ट जब होते थे तब हम लोग अपना रियल रोटेशन करते थे और एक प्राइम कंपाउंड के लिए यू नो स्काउट करते थे या फिर लड़ाई करना है तो या फिर मारना है तो मारने के मार के उनका पोजिशन लेने का कोशिश करते थे तब तक वी टेक आवर लोड्स वी प्ले आवर एडज एंड वी मेक अवर सर्वाइवल इन द गेम तो अगर बाहर देखेंगे तो वन मे बी टू एंड थ्री यू नो वो जिस वन टू थ्री या फिर फोर हो सकता है इधर उधर फोर भी हो सकते थे तो इट्स बट कंपेरिटिवली प्रोबिलिटी की लेस होना चाहिए और अंदर अंदर ये सर्कल के अंदर जो होने वाला टीम्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए और अभी सिक्स्थ मैच आप देख सकते हैं अगेन मेटा के हिसाब से सब लोगों को सेंडर चाहिए रहते हैं सो सेंडर के लिए सब लोग की यू नो ऐसे बसड़ बचता है और मेरा टीम अकेला जो है एक्चुअली बाहर बैठा है सो दिस वाज ए कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी ऐसे नहीं कि हम लोग को रोटेशन करना नहीं आता है ओब्वियसली दिस वॉज़ वेरी कैलकुलेटेड कि हम लोग को नहीं जाना था बेसिकली हम लोग को वो जाके यू you नो know, वो 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 रैंडमनस होता है वो कहीं पर भी यू नो इधर बंदा निकलते और हम लोग को स्प्रे करके एक बंदा मार देते बाकी बंदा निकल जाता तो वो कैशुअलिटी नहीं होना चाहिए और कोई भी टीम से इनिशियली फाइट नहीं होना चाहिए सो वी नीड अदर टीम्स टू यू नो समीम्स टू गेट डाउन और हम पोजिशनल पॉइंट्स यू नो जितना हो सकता है उतना आगे बढ़े आगे बढ़ते रहे और जब जरूरत पड़े हम मार के उनका पोजिशन ले लेंगे सो दिस वॉज बेसिकली द स्ट्रैटेजी एंड दिस वॉज डूइंग ऑन पर्पज और आल्सो मेनली हम लोग को पता है कि हमारा टीम यू नो पावरफुल किस चीज़ में है? हमारा टीम पावरफुल है रोटेशन में तो हम रोटेशन जब सर्कल छोटा आएंगे हम रोटेशन यू नो स्काउट इन करके हम वो कंपाउंड्स पकड़ लेंगे वो हमें आता है वो हम बेस्ट है उसमें तो इसलिए हम आ, वो चीज़ कर लेंगे बट आ, जैसे मैंने बोला फायर पावर में थोड़ा सा वीक है तो हम वो इनिशियल जो फाइट जो है वो लेना नहीं चाहता है सो so, ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे सर्कल uh, छोटा हो गया एंड वी नीड टू हैव ए गुड कंपाउंड इन द सर्कल अब जाके हम लोग यू नो थोड़ा बहुत एड्स वो नहीं खेल पाएंगे क्योंकि एक सर्कल अभी सर्कल के अंदर थोड़ा सा पोजिशन लेंगे तो अच्छा एडवांटेज मिल जाएंगे तो इनिशियली uh, हम लोग ने नहीं लिया बट धीरे धीरे देन हम लोग ने यू नो यहाँ पे था यहाँ से यू नो स्काउट करके पोटाटो हिल हिल से स्काउट करके नीचे देखा नीचे से कंपाउंड क्लियर मिला तो हम लोग को वो स्काउटिंग सिचुएशन पता है एरियाज पता है क्या करना है नहीं करना है यू नो वो रोटेट करने को एक वो एक यू नो रास्ता पता है एंड दैट्स हाउ यू you नो know, जब सर्कल छोटा होता है तो हम लोग रोटेट इन करके कंपाउंड लेते थे और उस कंपाउंड की यू you नो know, फायदा पकड़ के हम लोग होल्ड करते थे और होल्डिंग uh, में पीकिंग में ये लोग बहुत ही बढ़िया है अपना कंपाउंड होल्ड करने में बहुत बढ़िया है कोई क्रैश होता है तो उनको मारने के लिए भी बहुत बढ़िया लोग uh, कर लेते हैं सो so, uh, अपना बेस्ट पार्ट में ज़्यादा यू नो ध्यान दिया और जो वीक पार्ट में उसमें कम ध्यान दिया और वैसा यू you नो know, हम लोगों ने खेला और इसलिए यू नो बाकी बहुत सारे टीम्स जो यू you नो know, पहले से ही जो उनका सिनर्जी बैठा है वैसे वैसे टीम्स को आ, पीछे छोड़ के हम लोग थर्ड पोजिशन में इसलिए आए और इवन फनेटिक से भी छः पॉइंट से नीचे रह गया था बट या फनाटिक डिड बेटर सो दैट्स वे ऑन टॉप ऑफ अस विथ सिक्स पॉइंट्स बट ऑफ आल्सो डन बेटर ऑल्सो थोड़ा बहुत वहाँ पर गलती भी हुआ एंड में अगर uh, मैं बताता हूँ आगे बट या बेसिकली दिस वैद यू नो सिंपल सिंपल स्टैट्स भी यूज मेटा का फायदा उठा के यू you नो know, दीस वे दी थिंग्स सिंपल सिम्पल थिंग्स हम लोगों ने सोच के किया है तो इसलिए हम लोग यू नो इतना टॉप में निकल के आए हैं अब ये है ट्वेल्थ मैच लास्ट मैच है हम लोग थर्ड पोजिशन में और फैनेटिक है सेकेंड पोजिशन में और यहाँ पे मैं हमेशा अभी तक बोला हूँ कि इनिशियल फाइट नहीं लेना है वो एंड में आके ये लोगों ने ले ही लिया ना इन लोगों ने जान के एक्चुअली इनिशियल फाइट नहीं लिया फाइट नहीं लिया ऑब्वियसली ये लोग बिच नहीं चाहते थे बट द प्रॉब्लम वॉज की आई टॉक विद द प्लेयर्स सो बेसिकली इट वॉज दैट कि जो वार्म अप टाइम जो रहता है उस टाइम पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि यू नो ड्रॉप कहाँ करना है इस बार क्योंकि प्लेन पाथ के हिसाब से ड्रॉप करना रहता है ऑब्वियसली उन लोग प्रिमोस नहीं जाना चाहते थे बिकॉज प्रिमोस कंडस्ट होने के चांसेस उन लोगों को लगा और हम लोग का ड्रॉपिंग लोकेशन भी कंडस्ट होने के चांसेस उन लोगों को लगा एंड ऑब्वियसली दिस वॉज ई सिंपल रूल कि हम लोग को वी डोंट वॉन्ट टू गेट दैट इनिशियल फाइट टारगेट नहीं होना चाहता है हम लोग uh, तो इसलिए कुछ अलग ही ड्रॉपिंग लोकेशन सोचा सो वो स्प्लिट उतरा बट बट uh, uh, मैंने अपने आइजल से बात की क्लॉक लोग से बात की सो यू सेइंग दैट हम लोग ने वो से एक मिनट का पूरा फायदा नहीं उठा पाया वॉइस uh, uh, किसी का वो इसका ग्लिच हो रहा था तो बार बार यू नो ये ईयरफोन्स कनेक्ट कर रहा था एंड्रॉइड इश्यूज़ इशूज़ में सम लिटिल इश्यूज़ है तो एक्चुअली द मेन थिंग इज अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाया तो so इस वजह से एग्जैक्टली exactly बता नहीं पाया कि यू you नो know, कौन सा कंपाउंड में उतरना था कौन सा केस स्प्लिट करना था तो so बेसिकली अच्छे से दे आर नॉट एबल टू डिस्कस एंड बिकॉज ऑफ दैट दे गोट स्प्लिटेड अप एंड फनाटिक्स से यू नो सामने से निकलना पड़ा एंड ऑब्वियसली फनाटिक भी एक यू नो सरप्राइज़ था वहाँ पे और फनाटिक ने हम लोग को टारगेट नहीं किया ओके okay. uh, मैंने चैट देखा तो बहुत दो बोलो फनाटिक टारगेटिंग एम आई फनाटिक ए फैनेटिक टारगेटेड एज बिकॉज हम लोग खुद सोच रहा था कि हम लोग खुद ऐसे कर रहा था कि हम लोगों ने हम लोग को कभी टारगेट ना हो कभी सो so, टारगेट हम लोग कभी नहीं हुए बट uh, येस yes, गलती हो गया सो दैट्स द रीज़न वी हैड ए कैशुअलिटी इनिशियली देर और उस कैशुअलिटी की वजह से आप लोग को पता है कि यू नो प्रॉब्लम्स हैड प्रॉब्लम्स टू रोटेट इन एंड यू कूडन मेक इट द बेस्ट ऑफ दिस मैच एंड दैट्स वाई वी कॉस्ट इन टू वी हैड टू सेटल फोर दर्ड पोजिशन एंड नॉट द यू नो फर्स्ट पोजिशन विन ओब्वियसली ओके गाइज तो आप लोगों को एक समरी में बता देता हूँ ओवरऑल बिकॉज ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा इफ़ आई एनालाइज ऑल द मैचेस ऑफ ऑल दी यू नो स्ट्रेटजीज सब ऐसा मतलब हर एक टाइम पे क्या क्या किया ये ये बनाएगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा सो बेसिकली आई जस्ट चल दी की पॉइंट्स क्या यूज़ किया जो पहले भी बता दे पता है इनिशियली नहीं मरना है बिकॉज बहुत टीम्स ऑब्वियसली ऐसा है कि जो एक एक पॉइंट जो मर के जो इनिशियली मर के जो एक एक पॉइंट लेके यू नो मर जाता तो उसमें नहीं रहना था हम लोग को क्योंकि हम लोग को कंसिस्टेंट रहना था तो ओनली ट्वेल्व मैचेस तो ट्वेल्व मैचेस में वो रिस्क तो कभी नहीं लेना था तो इनिशियली नहीं मरना था तो इसके लिए हम लोग यू नो ड्रॉप इन लोकेशन और टारगेट ना होने के लिए थोड़ा बहुत आ, किया उधर एंड देन जैसे मैंने बताया वो मेटा uh, यूज़ किया जो जो सब लोग सेंटर पकड़ने सब पकड़ता है यू नो इनिशियली सर्कल्स में सो so, वो एक उसका फ़ायदा उठा के यू नो साइड में रहा और सर्वाइव uh, करता रहा यू you नो know, और जब ज़रूरत पड़े तब सर्कल के बिल्कुल uh, पास रहा और सर्कल के अंदर गया uh, और जब ज़रूरत पड़ा तभी किल्स किया और ऐसे कुछ कुछ टाइम्स वैसे भी देखी यू नो सर्कल के अंदर जाने के लिए ऑप्शन नहीं मिलते तो जितना किल्स होते उतना किल्स बटोर के वो पॉइंट्स जो है हमेशा यू you नो know, बढ़करा के रखने का पूरा कोशिश किया सो so, ऑल दिस वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली या आप लोग को खुद जाके एनालिस कर सकते हो बाकी मैच uh, भी एक्चुअली अगर चाहते हो तो बेसिकली यू मस्ट सी ऑल दी सेम थिंगस एडजस्ट से रोटेट होके पूरा यू नो सर्कल के हिसाब से सर्कल को प्रडिक्ट करके थोड़ा बहुत उधर uh, प्रडिक्शन भी किया है क्लॉक का अच्छा प्रडिक्शन रहता है एम आई एम क्लॉक की सो uh, so उसने एड्स uh, रोटेट करके यू नो सर ब्लू जोन से रोटेट करके बहुत बार सर्कल के अंदर बच के अंदर आया है एक बार सेकेंड भी आया एक बार चिकन भी जो लिया है वो भी ब्लू जोन से रोटेट होके लिया था सो इस ऑल लाइक काइंड ऑफ यू नो माय टीम इट्स ऑल लाइक काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन व्हाट योर टीम कैन डू द बेस्ट एंड यू नो सो उसका वो टीम का जो वीक पॉइंट है उसका वलनरबिलिटी कोई ना उठाए तो ये था यू नो स्ट्रैटेजी बिहाइंड ओवरऑल कमिंग अप टू द टेबल टॉपर्स ऑफ द पी एम आई एस आल्सो फोर दी एम आई एम फैंस आउट देश वी नो दैट कि अगर हम थोड़ा सा और मेहनत करते तो हम uh, ज़रूर उस टॉप uh, टीम्स की टक्कर कर सकते थे uh, और फर्स्ट भी आ सकते थे बट थोड़ा uh, सा टाइम भी कम मिलता था और काफ टम तक कम मिला था और न्यू लाइनअप था और न्यू लाइनअप यू नो एक सिंग में आने के लिए भी उतना टाइम भी लगता है इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द्लेयर्स बट जितना इन लोग ने uh, करके दिखाया वो एक बहुत ही बढ़िया एंड दीज रियली टैलेंटेड प्लेयर्स आई रियली

ऑफ़ द टीम एंड ओबियसली बिलीव था हमारे ओल्डली एंड ओल्ड फ्रेंड लाइन फ्रैगर जो फ्रेंड लाइन फ्रैगिंग में जो इनिशियल जो सामने रहते थे मारने के लिए तो वो बिलीव रहते थे सो दैट ऑल दिस प्लेयर्स रियली वर्क हार्ड फॉर दिस पोजिशन एंड दिस इज़ मी गिविंग शाउट आउट टू दैम टूडे वो लोगों ने मेरे को पी एम एस के लिए मेरे को शाउट आउट दिया तो इस बार आई एम गिविंग टू दैम थैंक यू सो मच गाइस